एक नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। 16 अक्टूबर को कुल बाधितों का आंकड़ा 13,082 पर पहुंचा, जबकि कल तक यह आंकड़ा 12,945 था। 24 घंटे में कुल 137 बाधित सामने आए हैं, तो वही दो की मृत्यु हो चुकी है। पहली मृत्यु कोलगांव वनी यवतमाल में रहने वाले 70 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई। इस बाधित को 12 अक्टूबर को श्वेता हॉस्पिटल चंद्रपुर में दाखिल कराया गया था। तो वही दूसरी मृत्यु हनुमान नगर तुकुम चंद्रपुर में रहने वाली 61 वर्षीय महिला बाधित की हुई। इस बाधित को 14 अक्टूबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पिछले 24 घंटे में उक्त यह दो बाधितों की मृत्यु हुई है। पहले बाधित को कोरोना के साथ ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी होने से श्वेता हॉस्पिटल चंद्रपुर में इस बाधित की मृत्यु हुई, तो वही दूसरे बाधित को कोरोना के साथ निमोनिया शुगर की बीमारी होने से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल चंद्रपुर में इस बाधित की मृत्यु हुई। बता दें कि उपचार ले रहे बाधितों की संख्या 3,002 है। अब तक 9,883 बाधित ठीक होकर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो वही अब तक मृत्यु हुए बाधितों का आंकड़ा 197 पर पहुंचा, जिसमें चंद्रपुर 187, तेलंगाना 1, बुल्डाना 1, गढ़चिरौली 3, यवतमाल 4 और भंडारा 1 का समावेश है।